इन दिनों ठंड का मौसम चल रहा है और कड़ाके की ठंड में हाल ही में देर रात को बलिया के सिकंदरपुर थाना के कस्बा स्थित चतुर्भुजनाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने नोटबंदी पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के बयान पर कहा कि मायावती जी का कहना है कि नोटबंदी जल्दी में लिया गया फैसला है, जबकि अभी कल ही 104 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांशीराम जी ने मायावती जी को दलित की बेटी बनाकर दलितों के भले के लिए भेजा था और अब वो दौलत की बेटी बन गई है। उन्होंने कहा कि मायावती जी कहती हैं कि ना मेरे आगे कोई है और ना पीछे, मैं तो दलितों की सेवा करने आई हूँ, तो फिर ये खजाना क्यों भर रही थी? अगर देश की सेवा करनी है तो नरेंद्र मोदी की तरह करनी चाहिए। वहीं सूबे की सपा सरकार को भी मंच से जमकर लताड़ते हुए उन्होंने कहा कि मायावती को हराकर अखिलेश यादव सत्ता में जरूर आए और उन्होंने कहा कि मैं इसकी जाँच कराऊंगा और जेल भेजूंगा। जांच करना तथा जेल भेजना तो दूर, वो भ्रष्टाचार का प्रतीक 50,000 करोड़ के घोटाले का इंजीनियर यादव सिंह से कॉम्प्रो कर उससे कहा कि तूने मायावती को कमा कर दिया है, अब तू हमें कमा कर दे। आपको बता दें कि ये बातें आज सिकंदरपुर थाना के कस्बा स्थित चतुर्भुजनाथ मंदिर के प्रांगण में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत की योजनाओं के शिलान्यास के कार्यक्रम के दौरान कही गई। देखिए उदाहरण है, दलित की बेटी दौलत की बेटी हो गई है। यादव सिंह नाम का धन पशु इंजीनियर जो 20,000 करोड़ रुपए को इन्होंने पाला पोसा, अखिलेश जी ने उनको गले लगाया ये कहकर आए थे कि हम उसको जेल भेजेंगे। धन्य हुए तो भारत की सरकार का सीबीआई जांच शुरू हुई और आज वो धन पशु जेल के पीछे है। औरों के लिए भी मिसाल है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम देश को, प्रदेश को एक भ्रष्टाचार रहित सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये खुशी है कि हमारे किसी भी मंत्री पर, किसी भी सांसद पर बेदाग हम अपनी सफ़ेद चादर लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। देश प्रदेश को आगे लेने का संकल्प प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश की इस माटी ने 80 में से 73 सीटें लेकर मार्ग प्रशस्त किया था मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार का, और अब यही उत्तर प्रदेश के अंदर भी होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारे यहाँ ये फैसला पार्टी का राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व लेता है, लेकिन हम गिदगिद दृष्टि नहीं रखते। हमारा कैडर बेस कार्य करता है, अगर कोई स्वच्छता से हमारी पार्टी के अंदर आना चाहेगा तो हमारी पार्टी का नेशनल बोर्ड और राज्य का जो हमारी समिति है वो उस पर आकलन करती है। अगर ज़रूरत समझती है और वो काबिल है तो पार्टी की उसे सदस्यता दी जाती है, लेकिन हम उनके पारिवारिक तोड़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। वो लूट का पैसा जिम्मेदार है, जब लूट का पैसा इकट्ठा हो जाए तो लुटेरे आपस में लड़ने लगते हैं, ये उसी का हिस्सा है। हालांकि ये उनके पारिवारिक मामला, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। कहां से आया 104 करोड़ तो जमा हुआ है, बाकी जिनसे एडवांस लिया था उनका वापस किया, बदलवा के लेके आओ भैया, टिकट जब मिलेगी। अब मोदी जी से नाराजगी है, पता नहीं किसके लिए जमा कर रही, समझ में नहीं आ रहा। मायावती जी ने भैया किसी के नाम वसीयत तो नहीं लिख रखी आपने से, किसी के नाम पक्की बात है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम लिख रखी है? अच्छा, बताओ। कहती है मेरे साहब कोई आगे ना पीछे, मैं तो दलितों की सेवा करने आई हूँ, तो ये खजाना काहे भर रही थी भैया? देश की सेवा करनी थी तो फक्कड़ नरेंद्र मोदी की तरह करते ना, इनको हरा के अखिलेश यादव आए थे, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए थे कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, जेल भेजूंगा। जांच कराना, जेल भेजना, यादव सिंह नाम का इंजीनियर का नाम सुना है भैया? भ्रष्टाचार का प्रतीक 50,000 करोड़ का इंजीनियर है, जेल भेजूंगा। जेल भेजना तो दूर, उससे गलबैया करी ना कि तूने मायावती को कमा के दिया, अब तू हमें कमा के दे। ना 165 सीटों की उन्होंने कोई लिस्ट जारी करी है अखिलेश यादव जी ने? मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन हमने सुना है। ये परिवार में लड़े आपस में, लेकिन हमें इनसे ये कहना है, कम से कम प्रदेश की माटी को तो बर्बाद ना करें, प्रदेश को तो बर्बाद ना करें, यही हमें कहना है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट।